वे मोशन के बारे में बता रहा हूँ, तरंग के संचरण के बारे में बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें अभी आपको सीखने को इसमें देखने को अभी मिलने वाली है। तरंग क्या होती है, वेव क्या होता है, the disturbance created in the medium which advances in forward direction is called what? Wave. जो आपने the disturbance created in the medium, बच्चे देखिए इधर, see. आप ध्यान से देखेंगे इसको, I am giving energy to the first ball. मैं केवल first ball को energy दे रहा हूँ, first strip को energy दे रहा हूँ, यहाँ नहीं देखे ना मुझे देखें, आप ध्यान देखें कि क्या घटनाएं हो रही है, ध्यान से देखेंगे, I am giving energy to this. So what you learn from it? Whether the particle are leaving their position or not? Particle अपनी जगह छोड़ रहे हैं क्या? कौन जगह? कौन जा रहा है यहाँ से वहाँ तक? ऊर्जा जा रही है, energy is, momentum is transferring, momentum is moving. अच्छा मैं यहाँ ले लूँगा, इसको बंद कर दूँ, यहाँ से रोड बंद कर दूँगा, अब देखिए क्या कुछ हो रहा है, क्या energy गई है? क्योंकि पहला particle दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को देता है. There is a question. इस तरह की wave को क्या नाम दिया गया है? नहीं, लॉन्गिट्यूड का बेटा लगे ट्रांसवर्स, हां मैकेनिकल वेव. नहीं 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 नहीं, स्टेशनरी तो वो होती है जो दूसरे को, दूसरी के बोल के एनर्जी दूसरे के पास नहीं जाती, उसको बोलते हैं. हां एनीवे बच्चे इधर देखिए, अच्छा वेव ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. अब आपको बताना है कि ये कौन सी तरह की वेव है, ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल कौन से एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है? ये अब आप देखेंगे इसको कि मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, परावर्तन भी आप समझ सकते हैं, और आप ये समझ सकते हैं एनर्जी एक्स एक्सिस पर गई है, पार्टिकल वाई के अबाउट क्या हो रहे हैं, या जेड के अबाउट रादर भी कैसे, अगर आप इसको जेड समझते हैं इसके अबाउट, तो जब प्रोपगेशन में और वाइब्रेशन में एंगल 90 डिग्री का बनता है तो उसको कौन सी वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं. लॉन्गिट्यूडनल अलग है, लॉन्गिट्यूडनल बता देंगे, लेकिन क्या है वो पीछे वालों को दिखेगा नहीं, बाकी मैं वो भी इसको बताना चाहूंगा. एक चीज और है, देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आंसर मेरी बातों में आ रहा है, बच्चे आप इसको खींच के रखिए. ओके अब आप इसको स्पीड चेक करेंगे, मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं, इसको मैं एनर्जी दे रहा हूं. ओके आप देखिए, अब नोट किया, अब बच्चे थोड़ा सा इसको ढीला करिए, हाँ बस अब चेक करना स्पीड को, इसमें स्पीड ज्यादा थी पहले में. व्हाट फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स इज यूज्ड, ऑल्दो एवरीवन ऑफ अस हैज स्टडीड दैट फॉर्मूला, √T/μ.